प्रशांत वर्मा की हनुमान मूवी ने इस बात को साबित कर दिया है कि कभी कभार बेहतरीन मूवीज को बनाने के लिए बजट नहीं इंटेंशन और विजन की जरूरत होती है। यही रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपए के अंदर अंदर उन्होंने हनुमान जैसी एक एपिक मास्टरपीस बना दी जो वर्ल्ड वाइड काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी से जुड़े हुए बेहतरीन माइंड ब्लोइंग और ऑसम 15 फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 2021 में जॉम्बी रेड्डी को बनाने के बाद प्रशांत वर्मा ने अपनी चौथी फिल्म यानी हनुमान को 29 मई 2021 को अनाउंस किया, जो बेसिकली तेलुगु सिनेमा की सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म थी। प्रशांत नील ने इस बात को कन्फेस किया कि ये मूवी बेसिकली एक डेडिकेशन होने वाली है उन सब के लिए जो अपने सुपर हीरो के रूप में भगवान हनुमान जी को याद करते हैं, और इस सुपर हीरो के लिए हनुमान नाम से अच्छा और कुछ भी नहीं था। इस फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था इसका बजट, जो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ के आसपास था, और इसे अपेरेंटली अमेरिकन NRI डिस्ट्रीब्यूटर कंदकतला निरंजन रेड्डी ने फंड किया था अंडर प्राइम शो एंटरटेनमेंट, जहां पर अपेरेंटली ये बजट शुरुआत में और भी कम होने वाला था। और प्रशांत वर्मा के हिसाब से मूवी की प्रोडक्शन के दौरान ये बजट 6 गुना ज्यादा बढ़ा। डोंट वरी, इस मूवी की कमाई के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इस मूवी की कहानी को किसने लिखा? वेल, इस मूवी की कहानी को प्रशांत वर्मा ने ही लिखा है, जिसे उन्होंने स्क्रिप्ट वाइल के अपनी टीम के साथ लिखा था, और स्क्रिप्ट वाइल की शुरुआत उन्होंने अपनी बहन स्नेहा समीरा के साथ की थी। साथ ही साथ प्रशांत वर्मा ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि बचपन में उनकी गुरुकुल की शिक्षा ने इस चीज में उनकी काफी ज्यादा हेल्प की। साथ ही साथ डायरेक्टर SS राजा मौली ने भी उन्हें इस मूवी को बनाने के लिए काफी अच्छे एडवाइस दिए। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग की शुरुआत 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुई थी। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली और पेदुरू में भी इसकी शूटिंग हुई थी, और फाइनली दिसंबर 2021 तक इस मूवी की 60% ऑफ द फिल्मिंग कंप्लीट हुई। बट इस मूवी के आगे की फिल्मिंग और ग्रीन स्क्रीन की शूटिंग तेलंगाना के वट्टीनगुलापल्ली में हुई थी, जहां पर एक टेम्पररी हनुमान स्टूडियो को क्रिएट किया गया था, जहां पर इसके मेजर ग्रीन स्क्रीन और विजुअल इफेक्ट्स की शूटिंग हुई, जहां पर स्पेसिफिकली क्लाइमेक्स के सीक्वेंस को शूट करने में 5 दिन का वक्त लगा, और इस मूवी की फाइनल फिल्मिंग 17 अप्रैल 2023 को खत्म हुई। इस मूवी के डबिंग प्रोसेस को अप्रैल 2022 में हेलो है स्टूडियोज में डब किया गया था, जिसमें तेजा सज्जा ने कई सारे लैंग्वेजेस में अपनी आवाज को डब किया था। साथ ही साथ ऐसा पहली बार इंडियन सिनेमा के अंदर सुनने को मिला कि यहाँ पर इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान ChatGPT और मिड जर्नी जैसे AI टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसने एक्चुअली प्रोडक्शन टीम का काम काफी ज्यादा आसान किया था। बात करें अगर यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर गॉड हनुमान के विजुअल इफेक्ट्स के लिए तकरीबन 6 महीने तक का वक्त लगा था, जहाँ पर फाइनल एडिट के अंदर 1600 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, जो बेसिकली मूवी का 30% था। और यहाँ पर हनुमान जी के लुक के लिए ही कई सारे प्री विजुअलाइजेशन और मैट पेंटिंग, 3D और AI का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर मिड जर्नी का इस्तेमाल कई सारी इंस्पिरेशंस के लिए किया गया था। इस मूवी को 12 जनवरी 2024 को तेलुगु के साथ साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी के अंदर भी रिलीज किया गया था, जहां पर प्रशांत वर्मा ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इन मूवीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स जापान और कोरिया में भी फाइनल हो चुके थे जब उन्होंने पहली बार टीजर को देखा था। लेकिन वहीं पर UK के अंदर इस मूवी के रिलीज में से कुछ कट किए गए थे, जहां पर कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को कट करके उन्हें सेंसर किया गया था, और बाद में इसे 12A क्लासिफिकेशन के साथ जनरल ऑडियंस पर रिलीज किया गया। वहीं पर इस पूरे मूवी को 15 क्लासिफिकेशन के साथ 15 साल और उसके ऊपर की ऑडियंस के लिए रिलीज किया गया। फाइनली अगर बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो मूवी के रिलीज होने से पहले ही इंडिया में फरवरी 2022 के अंदर ही इस मूवी के डिजिटल राइट्स को Zee5 और Zee नेटवर्क ने तकरीबन 35 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से खरीद लिया, जो बेसिकली इस मूवी के प्रोडक्शन बजट से 15 करोड़ ज्यादा था। इस कहानी के अंदर जहाँ पर तेजा सज्जा के कैरेक्टर हनुमंतु को दिखाया गया था, उस गांव का नाम अंजनाद्री रखा गया था। लेकिन वहीं पर बात की जाए हिंदू हिस्ट्री के हिसाब से, तो भगवान हनुमान जी का जन्म अंजनाद्री हिल्स के अंदर हुआ था, जो आज के कर्नाटक के हम्पी में है, और इसे किष्किंधा भी बुलाया जाता था। इसीलिए इस मूवी के अंदर दिखाए हुए इस फिक्शनल प्लेस का इतना महत्व है। बात अगर करें बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी ने ओपनिंग डे के अंदर अंदर इंडिया में अकेले ही 15 करोड़ रुपए कमाए,
जिसमें से हिंदी वर्जन का अकेले 6.2 करोड़ था। फाइनली 3 दिन के अंदर अंदर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 46 करोड़ की कमाई की और इसके अगले ही दिन इसने 100 करोड़ रुपए पार कर लिए और फिलहाल इसने अपने बजट का 10 गुना यानी 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। इसके अलावा इस मूवी का सीक्वल जय हनुमान भी आने वाला है, जिसे इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन के अंदर ही रिवील किया गया था और इस मूवी को ऑफिशियली फैंस को यहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रशांत नील ने इसकी प्री प्रोडक्शन को अनाउंस कर दिया है। लेकिन बस इतना सा ही नहीं है, एक्चुअली ये मूवी और इसकी सीक्वल प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, जिसके अंदर हनुमान मूवी तो आई ही है, इसके बाद इसका सीक्वल जय हनुमान और अधीरा आने वाले हैं, जो फिलहाल फ्यूचर में रिलीज किए जाने का प्लान किया गया है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और सॉरी सबसे पहले कि मैंने इस वीडियो के अंदर प्रशांत वर्मा को कई जगहों पर प्रशांत नील बोल दिया था। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस मूवी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।